सो गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। आशा करता हूँ नया साल में सब खुशहाल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो नया साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो 2020 ने हमें काफ़ी रुलाया है, तो आशा करता हूँ 2021 आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएगी। सो दोस्तों, उसके लिए फिर से एक बार सबको नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और छुट्टी था, कोई प्लान नहीं था, तो सोचा एक बार थोड़ा सा कहीं राउंड मार के आऊं। तो आज का जो जर्नी है वो टाउनशिप से शुरू होता है, हल्दिया टाउनशिप। ज़्यादा दूर मुझे कहीं जाना नहीं है, यहीं आसपास की 50 किलोमीटर के रेडियस में मुझे थोड़ा रैंडम वैसे राइड करना है। दो तीन स्पॉट है जिसको टारगेट में लिया हूँ आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के ज़रिए मैं दिखाने का। ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हाँ, अगर कहीं बोर लगे तो ज़रूर फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर। एक दो स्पॉट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। वैसे तो टाउनशिप से शुरू किया हूँ, तो जाहिर सी बात है टाउनशिप जो रिवर साइड है वहाँ शूट ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ भी थोड़ा शूट कर चुका हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, लेट हो गया मैं थोड़ा, और पहले जा सकता था लेकिन लेट हो गया मैं थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन कोई प्लान था नहीं, तो बैठे बैठे बोर होने के हो रहा था, इसके बाद ही प्लान बनाया, इसीलिए लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं, 50 किलोमीटर रेडियस में दो तीन स्पॉट्स हैं जो कि हम आराम से शाम के अंदर घूम के आ सकते हैं। 4-5 स्पॉट आज मैंने टारगेट में रखा है। पहला तो टाउनशिप, दूसरा बालूघाटा, तीसरा मैं सोच रहा हूँ जाऊँगा जो बोर्गभीमा टेम्पल है तमलुक में, काफ़ी फेमस है, 1000 साल पुराना, 1000 से ज़्यादा होगा, 1100 शायद, मैं भूल रहा हूँ, 1000 साल पुराना वो टेम्पल है, काली माता का मंदिर है। तो सोचा नया साल है, एक बार जाके दर्शन कराऊँ, इसीलिए ही निकला हूँ। उसके बाद वहाँ से रिटर्न आते वक्त मैं कोशिश करूँगा जो महिषादल राजबाड़ी है वो थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और तब तक आप ये टाउनशिप वाला वीडियो जो है एंजॉय कीजिए। Thank you.
सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रानी चौक के आसपास पहुंच चुके हैं, जहां से आप ये राइट साइड में जो देख पा रहे हैं हल्दिया पोर्ट है। और हमें जो है यहां से राइट साइड जाना है ब्रिज होके, नया ब्रिज जो ओपन हुआ है। सीधा जाएंगे तो रानी चौक और लेफ्ट ले लेंगे तो हाईवे होके हम लोग कलकत्ता के लिए निकल जाएंगे। लेकिन मुझे इसी ब्रिज के जरिए से, ब्रिज के थ्रू ही जाना है, तो ताकि आपको जो नज़ारा है दिखा पाऊँ। ये देख पा रहे कोलकाता और कोलाघाट दिखा रहा है, और राइट साइड में जो आप देख पा रहे ये है हल्दिया पोर्ट, और यही ब्रिज कनेक्ट करता है हल्दिया पोर्ट को भी। लेकिन हम उस रास्ते में अभी नहीं जाने वाले, हम स्ट्रेट जो है इधर से आगे जाने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ मैं, ये ब्रिज रिसेंटली 1-1.5 महीना हुआ इनाग्रेट हुआ है। टाउनशिप से सिटी सेंटर का कनेक्टिविटी को ईजी करने के लिए ये रास्ता को जो है बनाया गया है। ये जो देख पा रहे राइट साइड में, ये हल्दिया पोर्ट के लिए जो है आपको रास्ता सीधा जाके पोर्ट के सामने जो रास्ता है वो जा रहा है। ये जो देख रहे हैं राइट साइड से, ये रास्ता हल्दिया पोर्ट के लिए जा रहा है। एनीवेज, हल्दिया पोर्ट के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पोर्ट के अंदर वैसे ही मतलब जनरल पब्लिक अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये सामने है सिटी सेंटर, हम सिटी सेंटर से लेफ्ट लेंगे और बालूघाटा होके सीधा ब्रजलाल चौक के पास निकलेंगे, और वहाँ से डायरेक्ट बर्गभीमा काली मंदिर। और ये है सिटी सेंटर, यहाँ से हम सीधा ऐसे हाईवे से बाएं भी जा सकते हैं, मतलब ब्रजलाल चौक से लेफ्ट, लेकिन मुझे वैसे नहीं जाना था, मुझे इंटीरियर रोड होके ही जाना है। यहाँ से जो राइट जा रहा है, जो गाड़ी देख पा रहे हैं आप, ये जा रहा है मंजूश्री, और स्ट्रेट अगर चलते बनेंगे तो कलकत्ता। और ये हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो बालूघाटा होके ही निकलेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये है जो सिटी सेंटर अंबुजा रियल्टी, उसी के सामने से हम लोग क्रॉस करते हुए सीधा बालूघाटा की ओर चलेंगे। और ये रहा वो मॉल, अगर आपको कुछ खरीदारी करना है आप यहाँ आ सकते हो। और हम लोग सीधा इसी रास्ते से जाके बालूघाटा पहुंच जाएंगे, जहां आज काफ़ी जो है भीड़ दिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं वहां पहले भी गया हूं, इसी सीज़न में जो लोकल्स है, आसपास के लोग हैं, वो आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो सोचा एक झलक आपको दिखा दूं। हाँ, अगर आपको बालूघाटा का कोई डेडिकेटेड वीडियो देखना हो तो मैं चैनल पर लिंक दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं कैसे है वहाँ का नज़ारा। एक और वीडियो बनाया था मैं, आज तो मैं ऐसे ही रेंडम मतलब एक राइड के लिए निकला हूँ, तो सोचा टच करवा दूँ थोड़ा थोड़ा जो स्पॉट्स है, और उससे क्या होगा जो लेटेस्ट व्यू कैसा है वो आपको पता चल ही जाएगा। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये हॉस्पिटल, बीसी रॉय हॉस्पिटल ये नाम है इसका, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है हल्दिया का। और हमें यहाँ से राइट लेना है, সরাসরি সুযোগ দেওয়া হয়। 2021-এ অ্যাডমিশন চলছে, সব যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ নম্বর 96-09-6-7-9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 
दोस्तों ये हम लोग बालूघाटा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगर सीधा हम लोग चले जाएंगे तो वो जाएगा ब्रजलाल चौक के पास, हाईवे में फिर कनेक्ट हो जाएंगे कलकत्ता के और जो रास्ता जा रहा है, लेकिन हम स्ट्रेट जाएंगे थोड़ा सा बालूघाटा होके जो है रिटर्न आ जाएंगे। पुलिस वगैरह आज इधर है क्योंकि जानते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं। नेचुरल स्पॉट है, घना जंगल था लेकिन अम्फन के बाद जो पेड़ वगैरह थे वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए थे। मैं अम्फन के बाद भी एक बार आया था यहाँ और आज दूसरी बार। उस वक्त यहाँ कोई नहीं था उतना, लेकिन आज काफ़ी भीड़ होने वाला है इधर। ये देख रहे हैं बाइक का जो इधर लाइन से ही पता चल जा रहा है आपको, शायद अंदर बाइक वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं। ब्रेक लेना पड़ेगा, कोई ज़रूरत है नहीं बाइक रखने की इधर, अगर बाइक अंदर अलाउड नहीं है तो। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा बालूघाटा का, जो है वीडियो आप देख सकते हैं और बाइक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ कितना लोग आए हुए हैं आज। और ये जो लेफ्ट में देख पा रहे हैं आप, ये सब एरिया में ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब एरिया में जो है पिकनिक हो रहा है। तो दोस्तों मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आपको देखना है पूरा डिटेल्स में तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ हम नहीं रुकने वाले। तो दोस्तों अगर बालूघाटा के बारे में और डिटेल्स में जानना हो, मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ वो देख लीजिएगा, वो भी मैंने बनाया था जस्ट अम्फन के बाद ही, मतलब 4-5 महीना पहले, तो वहाँ से आपको जो है इसकी बाकी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, रहने वहने का इधर कोई सुविधा है नहीं। 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक क्या है ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपनी तरफ से टेंट यहाँ डालता है और वो टेंट टेम्पोररी है ऑब्वियसली, और उस टेंट पे जो है आप रेंट ले सकते हो, उस टेंट पे रह सकते हो या नाइट स्टे कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सेफ़ है। तो बेहतर होगा आप यहाँ ना रुकें, अगर आसपास आपको रुकना है होटल्स है वहाँ जाके आप रुक सकते हैं। सो दोस्तों बालूघाटा के लिए बस आज इतना ही, हमें अभी नेक्स्ट निकलना पड़ेगा बर्ग भीमा काली टेम्पल। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चलिए माता जी के दर्शन करते हैं। हमें यहाँ से 12-15 किलोमीटर जाना है नंदकुमार, नंदकुमार से तमलुक, तमलुक में ही बर्ग भीमा टेम्पल है। तो यहाँ से वही 25-27 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और ये जो क्रॉसिंग है बालूघाटा से अगर डायरेक्ट आएंगे तो वो ब्रजलाल चौक, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। और ये है हल्दिया गेट, जानते हो ऑलरेडी काम चल रहा है इसीलिए कलर वलर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो लेफ्ट जा रहा है रास्ता, ये जा रहा दीघा, और ऐसे अगर हम लोग स्ट्रेट चले जाएंगे तो
कलकत्ता, और हमें ये राइड जाना है। वाओ देखा आपने, क्यूट सी बच्ची एक गई सामने से। और हमें जाना है स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट, हमें राइट जाना है। ये जो स्ट्रेट जा रहा है ये कलकत्ता के लिए जा रहा है, और हमें जाना है डाइने तमलुक। दोस्तों अगर आप कलकत्ता से आते हैं बर्गभीमा टेंपल तक, तो वो डिस्टेंस होगा लगभग 90 किलोमीटर, और खड़गपुर स्टेशन से भी यहाँ का जो डिस्टेंस है वही 85-90 किलोमीटर होगा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ जो है मेछेदा, जो कि लोकल स्टॉपेज है। हमें ये जाना है, और ये हम लोग तमलुक के लिए नंदो कुमार से राइट टर्न ले चुके हैं। काफ़ी नेरो रास्ता है, तो आप जब भी आते हो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इतनी नेरो रास्ता है, ऊपर से मार्केट। सो जब भी आप ड्राइव करते हो थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें। लग तो रहा है कि हम लोग आसपास ही है। यस, ये जो आप राइट में देख पा रहे हैं यही है, तो हमें यहाँ पार्किंग के लिए जाना पड़ेगा। फिर पार्किंग कर लेते हैं, फिर आपको जो है दर्शन करवाता हूँ। आई एम डैम श्योर ये ही है पार्किंग जोन। Thank you.
सो फ्रेंड्स, अभी काली टेंपल से दर्शन करके मैं निकल चुका हूँ। हालांकि काफ़ी पहले निकल चुका था, मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ लंच किया, फिर उसके बाद रिटर्न जा रहा हूँ। और रिटर्न रास्ते में मैं सोच रहा हूँ कि एक जो महिषादल राजबाड़ी है उसकी एक झलक आपको दिखा दूँ। टाइम लगभग 4 बज रहा है अभी। ये जो सामने देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कपासडिया मोड़। और अगर आप कलकत्ता के ओर से आ रहे हैं जैसे मैं आ रहा हूँ, तो आपको यहीं से बाएं ले लेना है, उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आगे कटिंग देख पा रहे हैं, वो कटिंग से बाएं ले लेना है, शॉर्टकट है, नहीं तो आगे टर्निंग से भी आप लेफ्ट ले सकते हो। हालांकि मैं इसी रास्ते से अभी जाने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच्ड एट महिषादल राजबाड़ी। काफ़ी लोग यहाँ पिकनिक के लिए आए हुए हैं। ये जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, मेंटेनेंस की कमी की वजह से इसकी बैंड बजी हुई है। एनीवेज, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं महिषादल राजबाड़ी। ये है महिषादल राजबाड़ी, बस इसी की एक झलक दिखाने के लिए आया था इधर। काफ़ी लोग आए हुए हैं। अगर आपको इसके डिटेल्स वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो ऐसे रैंडम राइड का प्लान था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। शाम हो चुका है और मैं फिर से रिटर्न जा रहा हूँ अपना, जहाँ से मैंने आज का जर्नी शुरू किया था, टाउनशिप। और कई जगह घूमा आज मैंने, टाउनशिप, बालूघाटा, वहाँ से बर्गभीमा टेंपल, फिर उसके बाद महिषादल राजबाड़ी। दूसरा, दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। उतना कुछ खास था नहीं आज शूट करने के लिए, बस ऐसे ही नॉर्मली जाने का प्लान था, तो बस एक शूट करके आपको दिखाने का जो मेरा प्लान था वही कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सके तो एक बार सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचें। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में यहीं ख़त्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वैसे भी बैकअप नहीं है, बैटरी का हालत बहुत ख़राब है, तो हमें आज का सफ़र यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। आप सब लोगों को फिर से एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में खुशियां लाए। 2020 ने आपको जितना तकलीफ़ दिया है, 2021 उससे कई गुना ज़्यादा आपको खुशियां दे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन, किसी और एक जगह पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।